फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है नमस्ते करी पुलिस एंड कोही रोस्ट एक्सपोज इंसल्टिंग इंडिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। क्या कर रहे हो महेश केशवाला एके ठगेश? क्या बाकी सब ठीक? मास्क वास्क पहन रहे हो ना? नहीं पहना तो पहना करो भाई, क्योंकि आज हम कोरोना के टाइम पे जी रहे हैं और आज हम कोरोना से भी भयंकर बीमारी को देखने वाले। वो वाला आया था चाइना से, ये वाला आया है जापान से। ट्रिगर वार्निंग दे देता हूँ कि भाई ये देखने के बाद तुम लोग को 2 दिन तक नहीं समझाया कि तुम लोग ने क्या देखा है और क्यों देखा है। तो ये बीमारी है एक म्यूजिक वीडियो, अरे नहीं नहीं टोनी भाई का वीडियो नहीं है, दूसरा है। इसको पैदा किया कैंडी फॉक्स नामक एक चैनल ने। नाउ बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे को मैसेज कर रहे थे कि भाई करी पुलिस सॉन्ग को रोस्ट करो, करी पुलिस सॉन्ग को। तू यहाँ पे सिर्फ टिकटॉक से व्यूज कमाने के लिए, जब हमारे देश पे बात आई तब थगेश कहाँ है? हाँ, तब थगेश क्यों नहीं बात कर रहा करी पुलिस सॉन्ग? ऐसा नहीं है, मैं टिकटॉक से व्यूज लेने के लिए हूँ। तो लेट्स सी द सॉन्ग। दुनिया में सबसे प्यारा, दुनिया में सबसे भुक्कड़ करी है मेरा प्यार, कोई तो मेरा नाम बताओ। मैं बोला भाई डिसरिस्पेक्ट कर रहे हमारी, तो कुछ कुछ डिसरिस्पेक्टफुल होगा। इसको नाम ही याद नहीं है खुद का। ना खर्चा किया है वीडियो, अच्छा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। ना खर्चा किया है वीडियो में, थोड़ा राइटर्स में भी खर्चा कर देते। आई स्वेयर ये सॉन्ग लिरिक्स नहीं लग रहा है, किसी इंडियन निब्बा का इंस्टाग्राम का बायो लग रहा है। बट दिल से ना मेरे को ये काफी कैची लगा। ये जो ट्यून है ना, एक मिनट देखा, मैं कह रही कि अभी मैंने ध्यान दिया। आइसक्रीम खाओगी, कश्मीर जाओगी, हिमेश भाई तुम्हारा गाना कॉपी करे छे, શું કરો છો તમે? अरे टिकटॉक बनाना बंद करो, जब तुम्हारा गाना कॉपी हो रहा है। मतलब इंडियन गाने का म्यूजिक कॉपी करके इंडियंस पे ही वीडियो। अनलेस एंड अनटिल हिमेश भाई ने सुमड़ी में इनको राइट्स बेचा है। हिमेश भाई, पर दोनों गानों में एक ही चीज कॉमन है ना, वो अच्छा था ना ये अच्छा है। इंडिया की बेइज्जती करना लेकिन म्यूजिक खुद का नहीं बनाना। ये सब देखने के लिए हमारे कान भी खुले और आंखें भी खुली है। और कुछ है लिरिक्स तो बताओ। हाँ, कसम से मैं इस गाने से ऑफेंड नहीं हुआ। आई डोंट नो कौन ऑफेंड हुआ, मैं नहीं ऑफेंड हुआ। करी बोला यहाँ पे लगी, यहाँ पे नहीं। करी बोला ये नहीं, ये कि इन्होंने टोनी कक्कर बन के हम पे हमला किया है। एक नहीं सहा जा रहे, तुम लोग दूसरा बन के आ गए। हाँ, गाना बनाने आता नहीं, इंडियन ऑडियंस को ट्रिगर करो, व्यूज तो आ ही जाएंगे। देख भैया, तू डिसाइड कर लेते को नंगा होना पसंद है या करी पसंद है। तो नंगा होना है तो हो जाते ना, ऐसे इंडिया वालों को चिढ़ाने की जरूरत है। हाँ हाँ, इंडिया में ऐसे ही होता है, जब कुछ नहीं होता सब लोग नंगा होके नाचते। जैसे जापान में हर यूट्यूब वीडियो हेंटाई से इंस्पायर्ड होता है ना। हाँ, कुछ लोग नाचते हैं नंगे होके, लेकिन सबको क्यों जोड़ रहे हो उसमें? माफ करना दीदी, लेकिन वो जो पेट में पल रहा है वो करी नहीं है, वो जुलाब है। नमस्ते 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 नमस्ते। एक वीडियो लड़का बोल रहा है नमस्ते, फिर लड़की बोल रही है माफ किया। अब नमस्ते का रिप्लाई माफ किया कौन बोलता है? क्या हुआ रहेगा पता है, ये जो भी इंडियन एक्टर्स है ना, ये लोग ने जापानीज लोग को नमस्ते का गलत मतलब बताया होगा। फुल प्रैंक हंसा। देखो इंडियंस ने उनको नमस्ते का गलत मतलब बताया होगा, और देखो वीडियो में काम करके उनके पैसे भी लिए और गलत मतलब भी बताया। मतलब फुल चूना, क्योंकि इंडियन दिमाग के सबको पता होगा कि वीडियो अपलोड होने के बाद उसका क्या होने वाला है। द वीडियो इज नो मोर ऑन यूट्यूब। वेल प्लेड द बॉयज, वेल प्लेड। कोई बात नहीं है, इससे हो जाएगा। हाँ ऐसे होता है, इधर शिफ्ट में बैठते हैं ना तो रोटी और करी दिखाते, जैसे तुम्हारे यहाँ रेमन नूडल्स दिखाते रहेंगे। इधर ना जब हम लोग शिप वगैरह में बैठते हैं ना तभी 4 पेमेंट ऑप्शंस आते हैं, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, ईएमआई, रोटी। ये सब नंगा विंगा होके नाचना इधर नहीं होता, ये सब उधर होता रहेगा। इधर ऐसा किया ना एडिट करके तेरा मीम बना देंगे, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा सीन बना देंगे। मेरे को समझा नहीं कि जापान के लोगों ने जब इंडियन एक्टर्स और बैकग्राउंड डांसर्स को हायर किया तब ये डांसर्स और एक्टर्स ने कुछ बोला क्यों नहीं, कुछ आवाज क्यों नहीं उठाई, कुछ पैसों के लिए नंगा नाच कर रहे हो, लिटरली नंगा नाच कर रहे हो। ग्रो अ स्पाइन प्लीज। देशी खाना पहली बार मैंने खाया, इतना बुरा था कि मुझे लगा मर जाऊंगा, पर करी ने उसे टेस्टी बनाया। भाई अजीब है, जापान वाले खुद के ही खाने की मार रहे। मतलब ये बंदे ने सुशी खा के उल्टी कर दी और फिर सुशी खाने के बाद डिसाइड किया कि पूरी वर्ल्ड में हम लोग करी को फैलाएंगे। फिर बोल रहा है मैं सक्सेसफुल होके नाच। भाई देखो सक्सेसफुल होना है तो यूएसए यूरोप में जाके खोलना, जापान में इतनी कम पॉपुलेशन में खोल के कौन करी खाएगा तेरा। नहीं कौन से लग रहा है अपने को ये सपना छोड़ के इंडिया वापस जाना पड़ेगा। शर्म नहीं है, वो समझ नहीं रहा है, लेकिन लॉजिक भी नहीं। 20 साल से बोट में बिना खाए पिए घूम रहे, ऊपर से मोटे हो गए ये लोग। ये लोग ने शायद लाइफ ऑफ पाई आधा ही देखा, सोचा होगा चलो म्यूजिक वीडियो बना के ऑस्कर ले लेते। मुझे यहाँ प्रतीक्षा करते हुए 2 दिन हो गए, 2 दिन एक मिनट। ये बंदा वही है ना जो इंडियन वीडियोस पे रिएक्शन देके व्यूज लेता है, ये बंदा वही है ना जिसके चैनल में आई लव इंडिया लिखा है, ये बंदा वही है ना जो अपने थंबनेल में इंडियन फ्लैग यूज करता है। ए बेशरम मानस, खाता है इधर का, गाता है उधर का, गाता उधर का छोड़, रहता भी इधर ही है। मुंबई में रहते हुए 4 साल हो चुका है की और कंट्री में भी काफी है ना लैंग्वेजेस और भी है, और कंट्रीज के भी। आपको हिंदी में मतलब ऐसा खासकर हिंदी से इतना वो क्यों हुआ मुझे? अरे दीदी उनको क्या पूछ रहे, मैं बताता हूँ ना। हमारी पब्लिक ना यूट्यूब पे सबसे ज्यादा है तो ना ये विदेशी लोग हमारे नाम पे व्यूज लेते हैं, इनका मतलब बस व्यूज से है। और कोई बाहर का बंदा हिंदी बोलते हुए देख लिया फिर तो हमारे इंडियंस तो भैया उसको घर में 2-4 दिन के लिए रुका लेंगे। सब मोनेटाइज कर रहे हैं हमको। बीएमसी वाले कोविड वालों को उठा के लेके जाते वैसे लेके गए। और वीडियो के एंड में तो भाई क्या ही बेइज्जती की। देखो वीडियो से मेरे को कोई आपत्ति नहीं थी, पूरे वीडियो में तुम्हारा ही पैसा लगा है, तुम लोग ही गाली खा रहे हो, तुम्हारा ही वीडियो डिलीट हुआ, तुम्हारा ही लॉस हुआ है ना। बस एक चीज से दिक्कत है, वीडियो के एंड में एक कोई तो अनजान से गुफा में लेके गए, उधर अलादीन जैसा एक लैंप रब किया और उसमें गणपति बापा का रंगोली जैसा डिजाइन निकला। ऑफेंड से ज्यादा मैं इसमें लॉजिक ढूंढ रहा हूँ ना, वीडियो में वो सीन कोई ऐड कर रहा है ना ही उसमें कुछ लॉजिक। रैंडमली चिराग रब करके गणपति निकाल देते, इंडियंस ऑफेंड हो जाएंगे। उसको जीनी मानते हो ना तो विश करोगे ये सब कम से कम में निपट जाए, वरना ढोल तो अभी शुरू हुआ है। एक तो ये जापान वाले इतना करी करी कर रहे हैं। भाई जापान का नेशनल फूड है करी राइस, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंगीटाइन डेटी है जो जापान का, वो भी लॉर्ड गणेश ही है ना। आई एम स्टिल कंफ्यूज हम पे वीडियो था या जापान पे वीडियो था। सी आई नो बहुत सारे वोक लोग बोलेंगे कि इसमें ऑफेंड होने की सब क्या है, इसमें ऑफेंड है। ये हम लोगों के लिए ऑफेंसिव नहीं है जो इंडिया में रहते हैं, हम तो एक दूसरे को करी करी में क्या करी से भी खराब खराब चीजें बोलते हैं। बट इंडियंस जो इंडिया के बाहर रहते हैं, करी इज अ रेसिस्ट वर्ड ओवर देयर। आपको पता है, आपको नहीं लगता ये सॉन्ग बहुत ज्यादा वायरल हो जाता तो इंडियंस को करी करी बोलने के लिए ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मैंने फिर ये भाई ने अपोलॉजी वीडियो डाला, बोला कि मेरे को ज्यादा कुछ मालूम नहीं था कि मैंने वो वीडियो बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया है, जिन लोगों ने वो वीडियो बनाया है उन लोगों ने मुझे बुलाया था सिर्फ उस वीडियो में 5 सेकंड के लिए दिखने के लिए, सिर्फ दिखने के लिए, और 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए कुछ डायलॉग पढ़ने के लिए, सिर्फ उसी के लिए। और मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था और मुझे नहीं बताया गया था कि वो पूरा वीडियो मतलब वो एक वीडियो कैसा वीडियो बनने वाला है, मुझे नहीं बताया गया था। तो भैया जी वीडियो अपलोड होने के बाद आपने ये कमेंट क्यों किया? तो सो गुड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्ला 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 लिखा हुआ है। कॉलो मेरे दी खामी सुगीते माई काई थोरी हदा थात्सु होंतो नि सुगोई वीडियो दाशी ओंगाकु। ये जो इस गाने की जो मेलोडी है इतनी ज्यादा दिव्य है, इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़िया है कि कभी भगवान ने बनाई हो, साक्षात इतनी ज्यादा अच्छी है। उसको बोलते हैं इनसाई सुगीते थोरी हदा थात्सु खांदो शुरू। खांदो खांदो का मतलब होता है अप्रिसिएशन, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ भाई इस चीज को। तो मैं चिबानियान जो जिसने बनाया गाना उसको वही भैया कहते, और तेनसाई होते गॉड गिफ्टेड टैलेंट। जैसे सचिन तेंदुलकर में, महेंद्र सिंह धोनी में, लता मंगेशकर जी में, वैसा टैलेंट है गाने को बनाने वाले में। ऐसा ट्वीट कर रहा खुद ही। पर खाऊ देते रहियो होता अपीयर होना, फीचर होना, और होता उतारते रहियो, उताऊ मतलब होता गाना गाना। साफ लिख रहा है मैं भी गा भी रहा हूँ इसमें कि मैंने वो वीडियो बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया है। फिर करी सॉन्ग वालों ने वीडियो डिलीट किया, फिर थोड़े टाइम बाद ऑडियो वर्जन रिलीज किया। कैसे तो रिकवर करने हैं ना पैसे। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया, आपकी रिक्वेस्ट पे बनाया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स अच्छा रोस्ट किया है, पर मैं इतना हंस नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे और थोड़ा उस वीडियो से थोड़ा गुस्सा भी है इमोशनली कि भाई ऐसे कैसे कोई बना सकता है। और कई जगह पे मैं कमेंट्स भी देख रही थी जो कह रहे थे कि हमने तो इसमें कुछ गलत नहीं किया। इंडियंस ही, कई इंडियंस ने ये शो किया कि भैया इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, इससे तो होता ही रहता है, इसमें क्या ऑफेंसिव है। तो भाई आप कॉमेडी की तरह लो, दिस इज नो कॉमेडी। मैं तो क्लियरली बोलूंगी कॉमेडी वो होती है जिसने ये बोलना है कि भैया ऐसी कॉमेडी होती है तो आपको कॉमेडी की डेफिनेशन नहीं पता। मैं तो ये कहूंगी कॉमेडी वो होती है जिसमें सबको हंसी आए, किसी को हर्ट नहीं हो, किसी का मजाक इस टाइप से नहीं उड़ाया जा रहा हो कि वो उसको ऑफेंसिव लगे। कॉमेडी का मतलब है कि सब हंसे, और अगर वो आपको समझ नहीं आता तो फिर आपको कॉमेडी की डेफिनेशन नहीं पता है। और अगर आपको ऐसी बनानी ही है तो फिर आप अपने ऊपर ही बनाओ। अगर आपको मजाक ही उड़ाने का इतना शौक है तो आप अपने ऊपर मजाक उड़ाओ, किसी और के ऊपर नहीं। तो मेरा तो यही एक आंसर होगा कि भैया चलता है या कुछ नहीं। तो अगर आपको बनानी है तो अपने ऊपर मजाक उड़ाओ, दूसरे और के किसी और के ऊपर नहीं। अगर आप किसी और के ऊपर कर रहे हो तो दैट इज रॉन्ग। तो पर इन्होंने अच्छा बताया, इसमें काफी उन्होंने क्लिपिंग्स भी दिखाई जिसमें उन्होंने दिखाया कि भाई कैसे कमेंट्स किए हैं कोई ने, दिखाने के लिए कि मेरी एक्चुअली में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी, मैं सिर्फ 5 सेकंड का था। हमने भी वो वीडियो की है जिसमें क्लियर था कि जो भी वो बोल रहे हैं उसका टोटली ऑपोजिट उन्होंने अपने ट्वीट्स में पहले लिखा हुआ था, जो वो उन्होंने डिलीट कर दी। और ये भी पता चला कि ये जो अपॉलॉजी वाली वीडियो है उसको भी अब हटा दिया गया है। तो उससे पता चल रहा है, पर इट इज गुड कि इंडियंस ने इस बात को उठाया, क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे तो कल को कोई और इस टाइप की वीडियो बनाएगा, सोचेगा कि ये भाई ये तो चल रहा है तो हम भी बना सकते हैं, यही एक स्टेप और आगे जाके ऐसी वीडियो बना सकते थे। तो जो बात गलत है सो गलत है, और स्पेशली जैसे मैं कह रही थी ये बहुत ही गलत बात है उन इंडियंस के लिए जो बाहर रह रहे हैं, उनके ऊपर असर होता है, क्योंकि लोगों को देख के लगता है कि ये ही ऐसे ही हैं इंडियंस। और उसके बाद इस टाइप के एडजेक्टिव्स भी कई जो पढ़े लिखे नहीं होते वो वहां की कंट्री के वो एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं या उनको तंग करने के लिए भी कर सकते हैं। तो अच्छा रोस्ट किया था मैं कहूँगी। राइट, अब इसमें देखने वाली बात ये थी कि देखिए अगर कोई टोटली ये बाहर के कंट्री के लोग बनाते हैं तो आप कह सकते हैं उनको हमारे कल्चर के बारे में पता नहीं है, उन्होंने गलत बना दिया, उनको पता नहीं था कल्चर के बारे में। मगर आप यहाँ देख रहे हैं कि इंडियन एक्टर्स मतलब पूरी एक्टिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। आप ऑफकोर्स जो इंडियन एक्टर्स कर रहे हैं उनको पता है कौन से सॉन्ग पे बोल रहे हैं, लिप सिंकिंग हो रही है तो उन्होंने पूरे सॉन्ग के लिरिक्स सुने हुए हैं। तो उन एक्टर्स को खुद सोचना चाहिए था कि ये ठीक नहीं है जो तुम बना रहे हो, ये इसमें लिरिक्स ठीक नहीं है और ऑफेंसिव है और ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को करीब बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, मतलब एंड ऑफ द डे भी बोला है, मैंने तो भी देखा है। और भी कई वही तो मतलब और भी कई चीजें थी जो ऑफेंसिव थी, एक नहीं थी, मल्टीपल चीजें थी ऑफेंसिव। तो वही तो, इसलिए जो पहली बात तो ये है कि जो लोग कर रहे थे उनको बोलना चाहिए था कि मैं समझ सकता हूँ मुझे इसमें पैसे मिलेंगे मगर मैं इसके बिना भी जी सकता हूँ तो मैं नहीं करूँगा। फिर पॉइंट होता कि अगर वो खुद बनाते तो उन पे आता कि तुम्हें कल्चर नहीं पता और तुमने क्या किया, मगर खुद के लोगों ने कैसे किया। दूसरा जिनकी बात करें जो जापानीज, जिनकी हमने भी कई रिएक्शंस किए हुए हैं, कोई जो है अब कोई तो, मगर उनमें जो है वो इंडिया में रहते थे 5 साल से, उनको इंडिया का कल्चर इंट्रोड्यूस हो गए हैं, कल्चर पता है, तो उनको भी ये नहीं करना चाहिए बोल के यार मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडिया में रहता था, मैंने वहाँ हिंदी सीखी है, उनका कल्चर मुझे पता है, तो आप जो करें वो ठीक नहीं है तो मैं नहीं करता। राइट, तो वो उनको करना चाहिए। उसके बदले उन्होंने किया, फिर बाद में ट्वीट भी कर दिया लगा के उस वीडियो के साथ उनके साथ। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो ठीक नहीं था, रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए था। अब इसमें यही चीज़ मैं उस वक्त सोच रहा था कि इसमें अब सिमिलैरिटी देखिए कि जब अंग्रेज़ आए थे इंडिया में, वो थोड़े से अंग्रेज़ थे, उन्होंने हायर की और अपनी आर्मी बनाई, उसमें इंडियंस को ही हायर किया इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए। राइट, तो आप देखिए बाहर से आए ज़रा से लोग थे, उन्होंने ठीक है हमारी आर्मीज को हरा दिया। उसके बाद गवर्न करने के लिए क्या किया, इंडियंस को हायर किया अपना काम कराने के लिए। मतलब इंडियंस ही इंडियंस को फिर मार रहे थे। इंडियंस आर्मी में आ गए, इंडियंस इंडियंस को मारे, इंडियंस को लाठी चार्ज कर, इंडियंस वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मार रहे हैं। सिर्फ अंग्रेज तो नहीं थे, उनकी तो पॉपुलेशन कम थी। तो वहां पे लोगों ने उस वक्त क्यों नहीं सोचा कि यार हम कैसे ये जॉब ले सकते। ठीक है, पैसा मुझे चाहिए, आई अंडरस्टैंड, मगर कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कैसे ये जॉब ले लूं जिसमें अपने लोगों को मारूं, वो भी मतलब जो स्वतंत्रता मांग रहा है वो उसका राइट है, तो मुझे भी चाहिए फ्रीडम, उस बंदे को फ्रीडम चाहिए, मैं उसको मारूं क्योंकि वो फ्रीडम मांग रहा है, तो ये कैसे हो सकता है। तो मैं तो जॉब लेता नहीं हूँ। नेट रिजल्ट क्या होता है, उनको अपनी पूरी फोर्स लानी पड़ती। फिर वो कितने बंदे इंडिया में रह सकते थे, पॉसिबल नहीं था, बहुत जल्दी काम खत्म हो जाता। तो मेरे ख्याल से ये देखना पड़ेगा कि लोगों में प्रिंसिपल्स जो हैं कैसे आए और लोगों को कैसे समझाया जाए कि प्रिंसिपल ज़्यादा ज़रूरी हैं रादर देन ऐसे ही तुम कुछ भी कार्य कर लो। बिल्कुल, इससे दिख रहा है कि जो ये थे इनको सिर्फ पैसा ही दिख रहा था, अपने प्रिंसिपल्स नहीं दिखे। पर ये अच्छी बात है कि जिन्होंने ये देखा इंडियंस ने, उनको रियलाइज हुआ कि ये इनअप्रोप्रिएट है, आवाज उठी। उस आवाज की वजह से अब उनको ये सब स्टेप्स नहीं। पर अमेजिंग ये है कि वो डिलीट करके ऑडियो लगा दिया है, तो वो भी बहुत अजीब की बात है। अपोलॉजी भी मतलब जो कि वो तो आप अपोलोजाइज नहीं, इसमें उन्होंने ये नहीं बताया था। एटलीस्ट ये है कि जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, तो इसका मतलब जापानीज गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से अपोलोजाइज किया है कि कुछ लोग थे उन्होंने बैड टेस्ट में किया। मेरे ख्याल से मतलब पॉइंट ये है कि आप किसी भी कंट्री को बुरा नहीं कह सकते, उसके लोगों को बुरा नहीं कह सकते। कुछ तो लोग एलिमेंट्स थे जिनको लगा कि ये करके कुछ कर पाएंगे, वो एलिमेंट्स को पता नहीं था इंडिया के बारे में, उनको नॉलेज थी। और इंडिया के कुछ लोग थे जिनको पता नहीं था कि ये कई जापानीज भी हैं जिनको पता था इंडिया के बारे में। हाँ, तो मेरे यही खाली इंडियंस जो है वहां पे वो ही नहीं कल्परेट, जिनको भी पता था इस कल्चर के बारे में और उन्होंने पार्टिसिपेट किया उन सबकी। करेक्ट, जिनको कल्चर नहीं पता उनको कोई बात नहीं, आपको नहीं पता आपने गलती कर दी, मगर जिनको पता था उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जिनको नहीं पता था तो पहले उनको पता करना चाहिए था और फिर ऐसा बनाना चाहिए। जब आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आप कैसे इर्रेस्पॉन्सिबली कुछ बना सकते हैं। राइट, अब आपने वो रिसर्च नहीं किया पता करने के लिए, फेंसिव है नहीं है तो क्या हुआ, आपको अपना वीडियो निकालना पड़ा, कितनी आपको मतलब बैकलैश आया, आपका जितना पैसा लगा था उसका लॉस हो गया। तो नेट रिजल्ट ये है कि यही सिखाते हैं कि अगर आपने ये पैसे बनाने के लिए किया था तो आपको रिसर्च करनी चाहिए थी कि क्या ऑफेंसिव है क्या नहीं। आप खुशी, अब अच्छी बातें बोल देते लोग खुश हो जाते हैं। राइट, बहुत आसान काम था कि अच्छी बातें बोल के लोगों को जीत लेते, तो लोग बोलते कुछ अच्छी वीडियो बनाते इंडिया के बारे में, तो सबके हार्ट्स इंडियंस के हाथ। करेक्ट, आपको ज्यादा उससे ज्यादा प्रॉफिट होता। लोग कहते कितना अच्छा, जापान के लोगों ने कितना अच्छा बनाया इंडिया के बारे में, खुश होते लोग और भी उनके फैंस बनते। तो जो भी है, मेरे को समझ नहीं आया इसके पीछे क्या मेंटालिटी से बना दिया, मुझे भी समझ नहीं आया। आप किसी भी कंट्री का नहीं बेस बना सकते, आप जिस भी कंट्री का बनाओगे आपको बैकलैश तो होगा ही। तो क्या सोच क्या बनाओ, अच्छा बना दो, अच्छा बनाओ ना, ताकि लोग भी खुश हों, सब हों, आपको भी लगेगा, आपको भी प्यार मिलेगा। अब क्या मिल रहा है, हेट्रेड ही मिल रही है। पर मैं यही कहूंगी, एंड करूंगी, अगर कोई भी बोलेगा कि भाई इग्नोरेंस थी इसलिए किया, नो, इग्नोरेंस इज नॉट अ रीजन। क्योंकि जब से कहते हैं ना इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल इफ यू आर इग्नोरेंट अबाउट इट, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग यू नीड टू बी अवेयर। आपको पता होना चाहिए था, रिसर्च की जानी चाहिए थी आपकी, आपको देखना चाहिए था कि हम जो कर रहे हैं वो किसी वे से भी किसी के फीलिंग्स को हर्ट ना करें। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, कई बारी थोड़ा हो जाते हैं, क्या करें, दूर है इंडिया से। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।